माया या मोह क्या है? बस एक रिश्ता या अटूट रिश्ता जिसे हम इंसान कभी तोड़ नहीं सकते। हाँ, मोह तो जानवरों में भी देखा गया है, तो क्या मोह एक अचूक बाण है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता? मोह करना हमारा स्वभाव है, हम इंसानों का व्यवहार है मोह। किसी भी वस्तु, किसी भी संग्रह, किसी भी स्थान या कोई भी चीज हो जिसे मनुष्य मोह जरूर कर लेता है। हम इसे लाख का कोशिश के बावजूद इसे हम ठुकरा नहीं सकते। मोह एक ऐसा चीज है जिसे हम कभी भी बदल नहीं सकते। उसे कैसे बदला जा सकता है? क्या इंसान मोह माया छोड़ दे तो खुश हो सकता है? तो आपको बता दूं कि मोह माया इंसान को दुख, सुख सब कुछ दे सकता है, पर मोह को त्यागने से इंसान कभी दुख झेल नहीं सकता। वो किसी वस्तु से या किसी इंसान से या किसी शरीर से मोह करता है तो वही उसका दुख का कारण है, उसका सुख का कारण है। अगर ये मोह को छोड़ दे तो उसे कभी दुख नहीं मिल सकता। न अपने शरीर से मोह करे, न अपने परिजन से मोह करे, न किसी वस्तु से मोह करे। मोह को त्याग देना स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा था कि मोह ही एक कारण है जो वस्तु को दुख या सुख दे सकता है। पर अगर मोह को त्याग दें तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी, किसी भी चीज की चिंता सताएगी नहीं, ना आपके मन में द्वेष होगा, ना घृणा होगा, ना क्रोध होगा। बस आपके मन में शांति होगी और एक पॉजिटिव विचारधारा होगा जो आपको अपनी मुक्ति की ओर ले जाएगा, दुख सुख से परे। न स्वाद की चिंता, न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, न बसने की चिंता। मोह को त्यागना बड़ा कठिन है, पर कठिन कुछ नहीं है। कठिन आपका मन है, आपका स्वभाव है, आपका संकल्प है। ये मोह हमेशा पीड़ा देता है। सुख कुछ क्षण का होता है, पर दुख क्षण क्षण का होता है। इसी मोह को त्यागो और मोक्ष की प्राप्ति करो।